आए? अरे आइए आइए आइए, मोस्ट वेलकम, आइए. श्योर, कम. आइए आइए. यही वो रिया है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती थी और जिसकी मैंने बहुत सारी तारीफ कर दी. नमस्ते. नमस्ते. और बताइए क्या लेंगी आप, सॉफ्ट या हार्ड? रिया, इस पर तो अपनी नफरत मत जाहिर होने देना, यही तो तेरा शिकार है. तो फिल्मों का शौक रखती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं तो यहाँ एक्ट्रेस बनने ही आई थी. मतलब बचपन से मेरा ये सपना था कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी स्टार बनूं. बस एक मौके की तलाश है, दैट्स ऑल. क्या कर सकती हैं वहां पहुंचने के लिए? कुछ भी. अभी मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी, लगन से करूंगी. और क्या कर सकती हैं? और मैं अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को खुश रखूंगी अपने काम से. भाई वाह, ये तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती हैं. और भगवान की दया से रूपरंग भी है. वसुंधरा देखिए, कशिश है लड़की में. जी वो तो है. तो फिर ठीक है, हमारी नई फिल्म के लिए हीरोइन बनेगी ये? आप इनसे पूछ लीजिए, काफी समझदार लगती है. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. मतलब मैं भी आपसे कह रही थी कि मुझे एक मौके की जरूरत है और आप मुझे वो मौका दे रहे हैं. मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच. अरे टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता है, फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री है ना? नाम दाम शोहरत सब उनके पास चला आता है, है? और मेरी किस्मत देखिए, भगवान की दया से आप सीधी मेरे पास चली आई. थैंक्स टू वसुंधरा. आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? मैं आपको लिख लीजिए. 9821026598. ऐसे कैसे मना कर सकती हैं आप टीना जी? देखिए सर, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं मजबूर हूँ, मैं आगे से काम नहीं कर सकती. आपको मैंने फोन पर भी समझाया. I'm really sorry, please understand. मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे टीना जी, प्लीज थोड़ा तो कंसीडर कीजिए. देखिए आपका काम बहुत अच्छा है, आपका ट्रैक ऑडियंस को पसंद आ रहा है. प्लीज अब इस तरह हमें बीच में डिच मत कीजिए. आप लोग तो इनके वेलविशर हैं, फैमिली हैं इनकी. आप इन्हें समझाइए. She is such a fine artist. इन्हें ये सीरियल आगे करना ही होगा. अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, हम इनका ऐसा रोल नहीं होगा, मॉडर्न रोल नहीं होगा, कोई सिगरेट नहीं, शराब नहीं, मॉडर्न वेस्टर्न क्लोथ्स भी नहीं. हम सीरियल की कहानी में भी इनका करेक्टर थोड़ा चेंज कर दें, एकदम आदर्श भारतीय नारी, जैसा आप चाहें वैसा. लेकिन टीना जी प्लीज प्लीज आप मेरा सीरियल मत छोड़िए. आई बेग यू डोंट प्लीज. इस समय आपकी वजह से मेरा सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है, इट्स वेरी पॉपुलर, टीआरपीस कितनी हाई है. नहीं नहीं देखिए प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए. मैंने आपसे कहा ना कि इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, कोई और कर लेगा मेरा रोल. नहीं, आई वॉन्ट यू ओनली. ठीक है, मैं आपको 25,000 रुपए पर डे देने को तैयार हूं. आपको किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर मेरे सीरियल में रहना ही है. देखिए प्लीज, पैसों की बात मत कीजिए. क्यों नहीं करूं? अब आप हिसाब लगा के देख लीजिए कितनी अच्छी डील है ये. कॉन्स्टेंट चेस्ट पेन, coughing up blood, shortness of breath, wheezing, repeated problems, bronchitis, swelling of neck and face, loss of appetite, fatigue. Pixie, तुम सुबह सुबह ऑफिस खुलने से पहले ये सब पढ़ने आई हो यहाँ? मुझ में सारे सिम्टम्स हैं रवि.
listen. Come on, don't panic like this, please. तुम बेकार में परेशान हो रही हो. See, look, अभी कुछ कंफर्म नहीं है. Yeah, but एक मिनट देखो तो सही ना तो. सुनो मेरी बात. Worst comes to worst, अगर कंफर्म होता भी है तो it's curable, no? क्या कंफर्म होता है? सारे तो सिम्टम्स हैं. देखो ना, कांस्टेंट चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, फटीग. आई नो दैट. लेकिन अभी टेस्ट के रिपोर्ट्स आने बाकी हैं. ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस है कि तुम्हें ये सिम्टम्स हैं. यार बच्ची थोड़ी हूँ यार मैं. शायद मौत लिखी है. फाइन. गेस आई जस्ट हैव लिटिल टाइम यार, दैट्स ऑल. एक्सी प्लीज ऐसे मत बोलो. Come on, please. Think positively. रवि, तुम मेरी एक बात समझने की कोशिश करो. Possibility है ना कि कैंसर हो सकता है. और अगर ऐसा है तो I want to make the most of this time. मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. Maybe it's stupid. Late night drives. Buffet breakfast. Tricks, rally of flowers. हम दोनों वहां बैठकर sunset देखेंगे. How I wish हम दोनों एक हो जाए हमेशा के लिए. मैं काम करूंगी सिर्फ एक शर्त पर. अगर माँ जी और पिताजी हाँ कहें तो. सोच लो तुम लोग. थैंक यू टीना जी, थैंक यू. आपने मेरे सीरियल को बचा लिया टीना जी. थैंक यू वेरी मच. बेटा, वक्त के साथ साथ बदलने में ही भलाई है. वक्त के साथ साथ मजबूरी भी तो होती है. और टीना की कमाई से घर खर्च में मदद भी मिल रही है. और वो प्रोड्यूसर कितना भला इंसान है. वो टीना की मजबूरी को समझ गया. और पैसे कितने बढ़ाए उसने. 25,000. अब इतने पैसे खल रहे तुझे. हर एक्टिंग में क्या बुराई है. माँ आप कह रही हैं इसलिए करने दे रहा हूँ, वरना मुझे ये नौटंकीबाजी बिल्कुल पसंद नहीं. तो फिर ठीक है ना, मान गया ना वो. और फिर प्रोड्यूसर ने कहा भी है ना कि देर रात तक काम नहीं कराएगा. क्यूटी ना, खुश है ना तू. चलो देर आए दुरुस्त आए. कहते ना कि अंत में सब अच्छा ही होता है. मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ. मुझे पता है कि तुम्हें याद होगा वो टिंकू के अगले टर्म की फी. अरे हाँ भाभी, आई एम सो सॉरी. मैं अभी पिक्सी को फोन करती हूँ. रिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम मिसेस सिन्हा पर कैसे गिर पड़ रही थी? क्या हो गया तुम्हें? आई जस्ट वॉन्टेड टू. I understand. You were trying to make him take notice of you. मगर उसका भी एक तरीका होता है. मिस्टर सिन्हा जैसे लोगों के साथ बनाए रखना चाहिए, मगर एक फासले से. तुम्हें मालूम है, मिस्टर सिन्हा जैसे लोग तुम्हारा करियर बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं. ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ. लेकिन मेरा भी एक सपना है, इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी स्टार बनने का सपना. और शायद मिस्टर सिन्हा इसमें मेरी मदद कर सके, है ना? हेलो रिया. हाँ? अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे आमने सामने बैठ के बात करना चाहता हूं तो क्या तुम आओगी मेरे कमरे में? कोई खास बात है? हाँ, खास ही समझो. तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट करना चाहता हूं मैं. तुम आओगी? ऑफ कोर्स. वेरी गुड. बाय. बाय मैम. रिया सुन,
रिया, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाय, इन 21 सालों में तुम्हारे लिए जितना प्यार है ना मेरे दिल में, जितने जज्बात हैं, जितने इमोशंस हैं, सभी कुछ बंद है इस मुट्ठी में. क्या है इस मुट्ठी में? पहले आंखें बंद करो. ओके. अरे, ओके, ऑलराइट. खोलो. मनु, इतना बड़ा सॉलिटेयर? इट्स फॉर अ वेरी स्पेशल पर्सन. अरे, इतना पैसा खर्चने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, दिन ही ऐसा है. Happy anniversary. Happy anniversary to you too. पता है, इतने सालों के बाद भी तुम वैसे ही रोमांटिक हो, वैसे ही हो जैसे पहले थे, मेरे पास, मेरे साथ. I'm so happy. It's too good to be true. It's as true as my love for you. अरे वो एनिवर्सरी पार्टी डिसाइडेड है ना? ऑफ कोर्स, बिल्कुल. ग्रेट. कॉल ऑल योर किडी फ्रेंड्स. इतना अच्छा दिन हमारे लिए. आई वांट ऑल ऑफ देम टू बी हियर. दे आर ऑल इनवाइटेड. ओके. ग्रेट. रिया कहाँ है? वो गई है एक मीटिंग के लिए वसुंधरा के पास. ओके. हाय. ओह, देयर शी इज. कम कम कम. रिया, तुम्हारी मीटिंग कैसे गई? मीटिंग तो अच्छी रही, बट आई एम फैमिश्ड. बहुत भूख लगी है. मैं कुछ लेके आती हूँ तुम्हारे लिए. चल भाई. उस हैवान से मिलकर आ रही हूँ, मिस्टर सिन्हा से. He's just so disgusting. बिल्कुल लपक रहा था वो. He was so desperate, made me sick. लेकिन मैंने भी ठान ली, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी अगर. You know, वसुंधरा मैम was also very surprised कि मैं उसे इतना भाव दे रही थी. In fact, I agreed to meet him tomorrow night. कल रात को? उसने मुझे अपने कमरे में स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया. मैं भी देखती हूँ क्या कर लेगा वो. ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा. और कल वहां जाकर क्या करना है मैं तुम्हें समझाऊंगा. डोंट वरी, वी विल गेट दैट गाय. ओके. कम. पमी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? नॉट एट ऑल भाभी, कहिए. मैं वो सोच रही थी कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इफ इट्स नॉट अ हैसल, दरअसल वो. कम ऑन भाभी, डोंट हेसिटेट. क्या है, कहिए ना. मीन वी आर फैमिली आफ्टर ऑल, आरंट वी? मुझे दरअसल कुछ पैसों की जरूरत थी. That's it. इतनी सी बात को लेकर आप इतना हिचकिचा रही थी. आई डोंट बिलीव दिस भाभी. मैं वापस कर दूंगी, नौकरी मिलते ही मैं वापस कर दूंगी. कुछ ही दिनों के लिए बोरो कर रही हूँ, आई प्रॉमिस. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. मगर आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है तो भला मैं अपनी भाभी को कैसे मना कर दूं? चलो पम्मी, मैं अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहती, इसलिए तुमसे मांग रही हूँ. क्या भाभी, डोंट लुक सो सैड. पैसे नहीं है, दैट्स ओके. आई मीन इट इज सैड अगर देखा जाए कि तुम्हारे पास छोटे मोटे खर्च के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं हूं ना. थैंक्स, आई रियली अप्रिशिएट दिस. दैट्स ओके भाभी. इस वक्त मेरे पास सिर्फ इतने हैं. थैंक्स. गिन लीजिए ना, काफी है. वो क्या है ना भाभी, कल रात अपने दोस्तों के साथ मैं बाहर गया था. यारी दोस्ती में ना जाने हम लोगों ने कितना खाया पिया, 10,000 का बिल आया. इसलिए इस वक्त आपको देने के लिए सिर्फ इतने हैं. चलेगा? फिलहाल तो चलाना ही पड़ेगा. हाँ हाँ, कल शाम को मिल रहे हैं.
नहीं नहीं, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। किससे मिलने का प्रोग्राम बन रहा है? क्यों? हद करते हो, कल हमें फिल्म देखने जाना है, याद है ना? डोंट टेल मी अब तुम ये भी भूल गए हो। मुझे सब याद है, लेकिन क्या करूं, नागपुर में कुछ काम निकल आया, मेरा जाना जरूरी है। फिल्म तुम बाद में भी देख सकते हैं, अब तुम बहस मत करो प्लीज। मैं बहस कर रही हूँ? एक तो तुम हो जो फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाते हो और अब मुझे डिच कर रहे हो। रोमा प्लीज, अपना बचपना छोड़ो, ये काम जरूरी है और मुझे जाना पड़ेगा। तुम फिजूल में मुझे तंग मत करो। तंग मत करो, बहस मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्या मैं अपने मन का जरा भी नहीं कर सकती अभी? मैंने तुम्हें कभी किसी काम के लिए रोका नहीं, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें एनकरेज किया है। तुम ये गलत इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। हाँ हाँ, अब तो मैं ही बुरी बन गई हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर भागते हो, मुझे अवॉइड करते हो। मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बस करो रोमा, बात का वतंगड़ मत बनाओ, शट अप। अरे तुम कितना बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड सो मच, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। हाँ हाँ, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, जाओ ना। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं इतना ही बुरा आदमी हूँ, तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, तो ठीक है, जब मैं नागपुर से लौटूं तो तुम मुझे इस घर में दिखाई नहीं देना, समझी तुम? बस रोमा, बहुत हो गया नाटक, ये चिड़ना रूठना बनाना, मैं इन सारी चीजों से ऊब गया। तुम्हें जहां जाना है जाओ, बाहर में जाओ मेरी बला से। रिया जा रही है कहीं? हाँ। कहाँ जा रही है? किसी से मिलने मामा। हाँ हाँ, पर कोई नाम पता तो होगा। है माँ, लेकिन तुम उसे नहीं जानती, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं नाम भी बता दूँ? अरे माँ हूँ तेरी, जानने का हक नहीं है मेरे को। You don't know him, mama. It doesn't matter. और इन कपड़ों में? क्यों? क्या खराबी इन कपड़ों में? हाँ, एक तो तू इतनी रात को जा रही है और फिर किससे मिलने जा रही है उसका नाम पता नहीं बता रही है, और ऊपर से ऐसे कपड़े पहन के, मेरे को ठीक नहीं लगता। तो कोई दूसरे कपड़े पहन के। क्या ठीक है क्या नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। पता है तू बच्ची नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ तेरे को। देख बेटा, बेटा अपनी इज्जत ना अपने हाथों में होती है। हाँ, जा कोई दूसरे कपड़े पहन के जा। मामा, जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये कपड़े पहनूंगी तो यही कपड़े पहनकर जाऊंगी, लेकिन मैं तेरे को इन कपड़ों में हरगिज नहीं जाने दूंगी। मामा प्लीज, इस वक्त मुझसे बहस मत कीजिए। रिलैक्स, घबरा नहीं, मैं भी इसके साथ जा रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये क्यों जा रही है और किससे मिलने जा रही है। ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, मुझ पर भरोसा रखो। आप पे तो मेरे को पूरा भरोसा है भाई साहब, पर इस दुनिया पर नहीं। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगी, और फिर आदमियों की नजर का क्या ठिकाना, ये भी बच्ची है। शालू, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं भी रिया के साथ जा रहा हूं, इस पर आंच भी नहीं आने दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। आप कह रहे हो तो फिर ठीक है, पर फिर भी मेरे को घबराहट जरूर रहेगी। माँ हूं ना इसकी। समझता हूं, लेकिन रिया को कुछ भी नहीं होगा, जो भी होना है ना उसे होगा जो सजा का हकदार है, जो जो जुल्म उसने मंजू बढ़ाए हैं उसे एक एक जुल्म का हिसाब करना होगा, उसे एक एक जुल्म का।